मैं सदके जाऊं कि इतना प्यार ऐसे आ. सो उनका गाना जो है वो आए तो इस क्लेम के साथ से सानू तेरे नाल प्यार हो गया, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को उनसे प्यार हो गया और वो प्यार का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है. बहुत सारे खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो आपने देखी है. बुलाइए, किसको बुलाने जा रहे हैं हम? मिकाल जुल्फिकार. अब कुछ बातें करो. वो दूर दूर से जो देख रही थी और घबरा रही, सामने आओ. क्या सामने आओ, अब करो कुछ बातें. पूछो उनसे कैसे आप. कैसे आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू. कुछ और, क्या हाल है? ठीक है, कहो ना जो कहना है. कुछ नहीं. ये इतनी बड़ी फैन है आपकी. अच्छा. हाँ, कि इसके जस्टिस जो उस वक्त मैंने आपका दियारे दिल देखा था. ओके. तो वहाँ पे जो आपकी एक्टिंग थी, थैंक यू, दैट वाज सुपर. तो तब से मैं आपकी फैन हूँ. तब से? हाँ, तब से ज्यादा. काम तो मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ. तब से बहुत ज्यादा. अच्छा, ओके. तब से बहुत ज्यादा. तो जुमला इस तरह में बोला जैसे कि तब से मैंने भी आपको दिल दे दिया. एक्चुअली यार दिल में आपने क्या तबाही मचाई कि मैंने भी आपको दिल दे दिया. लेकिन इतना भी नहीं. हाउज लाइफ? ग्रेट ग्रेट. अच्छा मिकाल, नाम जरा डिफरेंस है. मिकाल, मिकाल अगर हम मिकाइल तो सुना हुआ है. Actually, Mikaal is a kind of a derivation from Mikhail. अच्छा. और my mother is English, तो उनको Michael नाम बड़ा अच्छा लगता था. अच्छा, सही. और तो उन्होंने जब उसका इस्लामी वर्जन निकाला तो Mikaal, I guess, was an option, और फिर Mikaal, so. अच्छा, यहाँ से Mikaal हो गया. तो यहाँ से Mikaal हो गया. अच्छा, very good. So we can see कि आपकी good looks हैं वो कहाँ से? Well, I guess. अब्बा इसको mind नहीं करते क्या? नहीं, अब्बा भी बड़े handsome हैं, माशाल्लाह. When I used to be in school, all the teachers were always asking about my dad. Very good. And how about male teachers? वो नहीं पूछते थे आपकी अम्मा नहीं आई आज मेरे लिए. अरे देखो, हम कितने आसानी से मेंशन कर देते हैं इस चीज को कि मतलब अब्बा को टीचर्स पूछते थे अम्मा के बारे में. We all feel कि नहीं यार हमारे. देखिए, we're still a sexist society, whether we like it or not. Very true, very true. I'm sorry to say. हाँ, बिल्कुल ऐसे. और इस हकीकत को मानना चाहिए कि हाँ, हम ऐसे मतलब हम फील करते हैं इन चीजों को. आप हो शॉविनिस्ट मेल, एक जरा यार, आई थिंक सोसाइटी का असर होता है, यू नो. सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हाँ, मैं हूँ थोड़ा सा. एज मच एज आई लाइक नॉट टू बी मे बी, लेकिन आई थिंक यू नो कुछ चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं. लेकिन आप तो इतने बेजरर, इतने मासूम, इतने मजलूम किस्म के. लगता हूँ बस. हम सोच भी नहीं सकते कि इस चेहरे पे जब वो तासरात आते होंगे. नहीं नहीं, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, ऐसा नहीं है. मैं जालिम नहीं हूँ बिल्कुल भी. आई एम वेरी यू नो सॉफ्ट एट हार्ट, आई थिंक. और यू नो मेरा दिल आ जाता है चीजों पे, एज इन यू नो आई फील फॉर थिंग्स, यू नो. मुझे कदर भी होता है, एहसास भी होता है, यू नो, ऑल ऑफ दोज फीलिंग्स. सो यू नो दैट्स ऑल देयर. बिल्कुल सही. बट जैसे मैंने कहा, आई थिंक सोसाइटी का असर थोड़ा बहुत होता है. अब वो अम्मा वाली सोसाइटी का असर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैं उधर रहा नहीं ज्यादा, बिकॉज मैं रहा इधर पाकिस्तान में. ठीक है. तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ की यू नो चीजों का ज्यादा असर हुआ. हाँ. ज्यादा असर हुआ. बिल्कुल सही. अगर मैं वहाँ रहता तो मैं आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन. आई वुड बी. बिल्कुल सही. फिर आप खुश आमदीद और सुबह बखैर. आज हम मिल रहे हैं वेरी हैंडसम मिकाल जुल्फकार से. मेरे अंदर और भी खूबियां हैं वैसे. अच्छा, वो आपने हमें आज गिनवानी है. क्या क्या और खूबियां? क्या क्या और खूबियां? Well, I guess आप समझो कि रिश्ता लेने के लिए आई हुई हूँ मैं. और लड़के की खूबियां गिनवाई, वो भी तो नहीं होती. क्या क्या? बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ मैं. बड़ा मेहनती लड़का है. और बहुत सारा ऑनेस्ट भी हूँ. अच्छा, ईमानदार है. किसके साथ? हर चीज के साथ. हर चीज के साथ, हर रिश्ते के साथ. अगर पूछे किस किस के साथ? वो भी कोशिश है कि हर किसी के साथ. अच्छा, गुड, सही. और क्या क्वालिटीज हैं? आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी केयरिंग. अच्छा, और इसको जरा उर्दू में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि हमारा लड़का जो है बड़ा प्यार करने वाला है? बहुत प्यार करने वाला है. आई गेस आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा होगा कि हमारा लड़का बड़ा प्यार करता है. तो ये कह सकते हैं कि प्यार कर सकता है. अच्छा, काबिल है प्यार करने के.
और I like, you know, I think I'm a very caring person. Really? Yeah, I think so. मतलब आप उन लोगों में से हैं जो आशिक बनना पसंद करते हैं या माशूक? ये दोनों मुख्तलिफ सिफात हैं ना? एक कहता है यार मेरे पीछे नहीं, I think मैं आशिक हूँ, definitely. और मुझे इश्क अपने काम से भी है, अपने रिश्तों से भी है, और you know, in a way, I'm enjoying life as well. Great. Now, who's the lucky person? भाभी हमारी माशाल्लाह बहुत लकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो इश्क़ की आप भी रवायती मर्दों की तरह जो कहते हैं शादी तो बंदा कर लेता है, इश्क दरअसल कोई और चीज़ है। नहीं नहीं, I had a love marriage and I fell in love with her. Good. And हाँ, I think पता नहीं, for me मतलब I guess because of my upbringing or मेरा mixed culture, I think मैं उस तरह पाकिस्तानी रवायती चीजों में इतना नहीं हूँ. जैसे मैंने कहा शुरू में, जो interesting एक बात थी कि society का थोड़ा असर हो जाता है, you know, और कुछ करना भी पड़ता है. देखा देखी भी करना पड़ता है. हाँ, कुछ करना भी पड़ता है. You know, some things sometimes you just have to put up a show. तो but other than that, I think I'm probably quite a different person. अच्छा. अच्छा, तो प्यार का इजहार करने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत हुई थी? बाज़ुकात लोगों को ये भी लगता है, आई थिंक इनिशियली होती है, शुरू शुरू में होती है. ये क्या समझती है खुद को, मैं क्यों इसके सामने इस तरह से? नहीं नहीं, मुझे वो नहीं होता कभी. नहीं होता, नहीं होता. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इनटू दैट, यू नो. और यू नो, फेम जनरली एक बड़ी मुश्किल चीज होती है संभालना. सो यू नो, कभी कभार इंसान कॉट अप हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं यू नो, ज्यादा उधर ना जाऊं. माफी मांगने में भी मतलब जल्दी करते हैं, उसमें भी अना आड़े आती है कि कभी डिपेंड्स कभी आ भी जाती है, कभी नहीं भी. बट आई फील जो यू नो, इफ यू से सॉरी यू आर अ बिगर मैन, यू नो, नॉट के कैसे सॉरी करते हैं. जैसे कुछ लोग से मुझे सॉरी ना कह तो दिया, सॉरी भाई सॉरी कह तो दिया था, कितनी दफा और सॉरी कहूं? सॉरी कह के थक गया हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी. एक ये तरीका होता है, एक होता है कि आप वाकई कहते हैं यार हाँ. देखो मैं really sorry. वो आई थिंक एक इंटरनल फीलिंग होती है कि या तो वाकई आपको अपनी गलती का एहसास होता है या फिर नहीं होता, या फिर आप समझते हैं कि आपने गलती नहीं की, यू नो. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर आपको वाकई एहसास हो जाए तो फिर आई गेस हाँ, वो सॉरी कुछ और होता है. और उसमें बंदा जो है जो गलती हुई हो या जो चीज यू नो गलत हुई हो और व्हाटएवर, उसको फिर ठीक करने की कोशिश करता है. अरे मैंने सुना आजकल बड़े मसरूफ हैं. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मैं काफी देर से, काफी सालों से बहुत मसरूफ हूँ. गुड. क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या कुछ आने वाला है और हम देख सकते हैं? वर्क वाइज यू नो, दीज लास्ट फ्यू इयर्स तो बहुत ज्यादा टेलीविजन के ऊपर, सीरियल्स पे, और जो कुछ लोगों ने मेंशन भी किए और उसमें मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स भी हैं, वो चलता रहा. कमर्शियल वर्क काफी चलता रहा. You know, I got married. I have kids. You know, so that's a part. बड़ा happening सा ज़िंदगी. Yeah, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. Recently, मैंने अपनी production शुरू की. Good. So that I also did as well. And इतनी सारी नई चीज़ें इकट्ठी, सारा कुछ eventually ना. बिल्कुल, बिल्कुल. And you know, I think मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरे cap में feathers add होते रहें. तो उसकी मेरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी और करनी है. आपको ना हमारा इंतज़ार बड़ा लंबा हो गया. हाँ बिल्कुल. अच्छा मिकाल, वक्त कितना बदल गया है. आई एम श्योर कि आप उस एज से वाकिफ होंगे जब एक टेलीविजन हुआ करता था और उसकी नशरियाती जब तातुल आ जाता था तो लिखा आता था इंतजार फरमाइए. याद है आपको? याद है आपको इंतजार फरमाइए. अब वक्त कितना बदल गया. अब बल्कि इंतजार नहीं करते लोग. अब इंतजार किसी चीज के लिए भी नहीं होता. द वर्ल्ड इज एन एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड, लेकिन फिर भी हम करते हैं. हाँ करते भी हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. जिस चीज के लिए करना हो उसके लिए इंतजार, अच्छी चीज के लिए इंतजार किया जाता है. बिल्कुल. बिकॉज यू नो, इन दिस एज वी हैव यू नो सो मच टू चूज फ्रॉम, बट डेफिनेटली उसमें जो अच्छी चीजें होती हैं वो नुमाया भी होती हैं. बिल्कुल सही. यू नो, और जब आप मेहनत करते हैं, जब किसी चीज को दिल से या उस पर्पज के साथ करें कि यार आई वॉन्ट टू मेक अ मास्टर पीस, तो वो कुछ और चीज होती है. और जब आप इस नियत से जाएं कि यार यू नो, बस मैंने जल्दी से घंटा है मेरे पास, मैं ये पेंटिंग कर लेता हूँ, और एक बंदा सोचता है कि यार मैं एक महीना लगाऊंगा और मैंने ये मास्टर, या पता नहीं कितनी देर लगेगी. सही. यू नो, सो ऑब्वियसली उस चीज में माशाल्लाह लकी इन मेनी वेज ना. लेकिन जैसे अभी मैं वो बात कर रही थी वक्त के बदलने की, एक टाइम था जब एक नौजवान सा लड़का, आप पहली आपकी वीडियो, यू आर सो यंग उसमें, और मतलब और एक लंबी स्ट्रगल का टाइम है उससे पहले तक जिसमें आप कोशिश कर रहे थे कि मैं मॉडलिंग में या मैं चीजों में. तो वही था एक्चुअली, दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम. यू नो, आई मीन
You know, where I am right now is quite by chance. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडल या एक्टर बनूंगा. मुझे सिंगिंग का हमेशा से एक शौक था, लेकिन मैंने कभी पर्स्यू नहीं किया उसको. और शायद कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं आई एम गोइंग टू बी अ सिंगर. आई गेस यू नो आजकल यू नो अ लॉट ऑफ किड्स यू नो मे बी सम पीपल आउट हियर इवन इन योर ऑडियंस ही बैठे होंगे एंड दे मे बी वांट टू बी एन एक्टर या यहाँ अगर नहीं है बट देर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु थिंक कि यार अब मैंने एक्टर बनना है. आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. आई थिंक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग बिकॉज इतना मीडिया वाजंट दैट बिग, इतने चैनल्स नहीं होते थे, काम इस तरह नहीं होता था, तो आप सोचते नहीं थे. यू नो नाउ इट्स अ वायबल थिंग टू डू, यू इट कैन बी योर जॉब. यू नो तब नहीं होता था तो यू नो वो स्ट्रगल कैसी थी, मतलब कितने वो स्ट्रगल थी. एक डेफिनेटली थी, हाँ बिल्कुल थी. आई थिंक इनिशियली वही जो दिन थे वो स्ट्रगल पीरियड ही थी बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी. लेकिन आई वॉज वेरी लकी एट द सेम टाइम कि मैं एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडस्ट्री नेचुरली ग्रो कर रही थी, तो काम भी ग्रो कर रहा था. और उस फेज में जितने सारे लोग आए सब ने, आई सपोज यू आर प्रोबेबली नॉट फार ऑफ फ्रॉम दैट टाइम एज वेल. आपने भी वेल इट डिपेंड्स कि हाउ यू टेक इट. आई विल बी फ्लैटर्ड इफ यू कंसीडर सो. आई डोंट नो, आई कहने का मकसद कि दैट्स यू नो दैट्स द टाइम वेयर मीडिया रियली काइंड ऑफ टुक अ बूम. यू नो अर्ली 2000s में जब बहुत सारे चैनल्स आए तो दैट्स वेयर इट रियली टुक अ बूम. मुझे पता चला इससे भी बड़ा प्यार आपको. बिल्कुल है, बिल्कुल है. और जैसे आप दिल के तार छेड़ते हैं, इसके तार भी बड़े प्यार से. मैं बहुत कोई जबरदस्त गिटारिस्ट नहीं, बट आई एंजॉय सिंगिंग. You know, singing for me is a release. Break ke baad, get ready. हम अपने band से भी कहेंगे जहाँ आपको लगे इनकी संगत करना वहाँ पे. और हम एक खूबसूरत सा song जो मिकाल से सुनने जा रहे हैं. So we will. और break ke baad फिर आपसे मिलाते हैं.